कि असीं तैयार हाँ देण दे लई। किते इस तरह का नहीं हैगा कि जो असीं ऐसे माहौल दे विच आउने हाँ ते साडे अंदर जोश भर जाता है, लेकिन जो असीं घरां दे विच जाने हाँ उत्थे फिल्मां चल पैंदियां ने, उत्थे नाच गाने क्रिकेट मैच चल पैंदे ने, एंटरटेनमेंट दे असीं खिलाफ नहीं हाँ। एक एक मन दी एक वो है, हर समय मन एक अवस्था दे विच नहीं रहिंदा, लेकिन किते ना किते साडे जिंदगी दे अंदर जिहड़े सरकमस्टांसिस ने ਉਹ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਜਨ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ किसी होर स्टेट के विचों नहीं आए, पंजाब के ही जंपल हाँ, पंजाब के विच ही पढ़े हाँ, और गुरु महाराज जी की कृपा दे नाल, सर्व श्री आशुतोष महाराज की कृपा दे नाल, एक निश्चित दिशा के अंदर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान चल रहा है, और भागवत कथावां, राम कथावां, देवी भागवत कथावां, गौ कथावां, भजन संध्यावां, सत्संग आयोजन, वी आर टचिंग एवरी फील्ड ऑफ द सोसाइटी। हर एक पिंड के अंदर छोटे छोटा आयोजन हो रहा है और वड्डे तो वड्डे समागम हो रहे हैं, तुसी सारे उन्होंने जानते हो, और सनातन का ही प्रचार प्रसार हो रहा है, क्योंकि मूल गुरबाणी के विच आता है कहे कबीर जन पए खालसे। पहले इतने खालसे का जिक्र मैं करना चाहता हाँ, ये शब्द जिहड़ा है खालसा शब्द, ये बहुत पुरातन शब्द है। सब तो पहला कबीर साहब जी ने इस शब्द का उच्चारण किया, कहे कबीर जन पए खालसे प्रेम भगती जन जानी, कि जिन्हां ने प्रेम की भगती नूं जान लिया वह व्यक्ति खालस हो गया। खालस का मतलब है वह अंदरों प्योरेस्ट फार्म दे विच चला गया। और एक जगह ते वह कहिंदे ने अब मन उल्ट सनातन हुआ तब जानिया जब जीवत हुआ। सनातन एक आत्मिक अवस्था का नाम भी है। असी शब्दों नूं समझण की कोशिश करिए, साडी एक बहुत वड्डी इस टाइम दे उत्ते एक कह लो दुर्भाग कह लो कि असी अपने जिन्ने भी धार्मिक ग्रंथ ने उन्हां तो लगभग कट ऑफ ही हो गए हैं। साडी यह कोशिश रहिंदी है कि आपां मत्था वधिया टेकीए, चाहे वह कोई किसी भी धर्म का धार्मिक ग्रंथ क्यों नहीं है, साडी कोशिश रहिंदी है कि मत्था वधिया तरीके नाल टेकिया जाए ता कि सारे देखण कि मत्था बंदे ने वधिया टेकिया। साडे कोले इन्नी इन्ना टाइम नहीं हैगा कि असीं उसनों पढ़ लीए, हालांकि असीं लिख के कद लई लैके लिखे क्यों गए सी इह सारे दे सारे। कि तुसीं कोई हथ खड़ा कर सकदा कि जिसने पूर्ण गीता नूं अच्छे तरीके नाल पढ़िया है? गीता नूं किहने किहने पढ़िया, हथ खड़ा कर सकदे? गीता वह ग्रंथ है जिसनों भगवान दे मुखार बिंदे विच्चों निकली है गीता। सब तो पहला तो मैं तुहानूं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जाके पहला गीता नूं पढ़ो। तुसी ये देखो भी दोने सेनावां आमने सामने खड़िया ने ते रथ दे उत्ते की चल रहा है? की चल रहा है रथ दे उत्ते? सत्संग चल रहा है। की उत्थे मिजाइल्स दे बारे गल चल रही है अर्जुन दे नाल? की उत्थे किसे बंब दे बारे गल चल रही है या किसे अस्त्र दे बारे गल चल रही है? तुसी करी पढ़ो तां उत्ते गल की चल रही है? गल चल रही है ध्यातु विषयां पुंसा संदेशेषु उपजायते संगात संजायते कामात कामात क्रोधो भी जायते। सब तो पहला व्यक्ति विषयां दे वल जाता है, फिर उसनु विषय प्राप्त नहीं होंदे, क्रोध करता है, क्रोध तो बाद उसकी बुद्धि का नाश होंदा है, उसका संपूर्ण नाश होंदा है। ये गल्लां कित्थों दी कीतियां गईयां कि असीं अज विषयां दे विच गिरफ्त नहीं है? असी जाता उन्होंने इस करके नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि असी उन्होंने मनना चाहते हाँ, असी उसको पढ़ना नहीं चाहते। उसके अंदर अर्जुन का सवाल है एक कि चंचलम ही मनः परमार्थी बलवद्रिडम, हे केशव मेरा मन इन्ना के चंचल है, इन्हू किवें वासे च करा? एकदम इस तरह जिवें हवा दे च रस्सी नाल हवा नूं बनना होवे, किवें काबू च आऊगा? यह सवाल से अर्जुन का। रात खड़ा युद्ध होने जा रहा,
युद्ध के दौरान भी साढ़े लिए सत्संग कितना जरूरी है। असी घर बैठ के सत्संग नहीं कराते और उधर भी अगे जो सारथी ने भगवान आप ने जिन्होंने हाथ च पंजे घोड़ा दी लगामा ने साड़ी लगाम कि हाथ से थोड़ा दसो तो सही असी अपनी लगाम आप ही फड़ी बैठे हैं। सब तो वही सा दुर्भाग्य जो मैं शुरुआत की असी अपने गुरु खुद बने बैठे हाँ यही समस्या है। साडा विषयों पर कंट्रोल नहीं है साडा अपने काम से कंट्रोल नहीं है साडा क्रोध से कंट्रोल नहीं है लेकिन असी परिवर्तन लिया चाहते समाज के अंदर नहीं होना परिवर्तन। उन्हें गंडीक छड़ता सी रथ के साइड के उत्ते युद्ध भी लड़िया से उतों गीता निकली सी। सब तो पहला तो जे असी हिंदू हाँ सनातनी हाँ गीता पढ़ो तो जे इदू भी अगे जाना चाहते हो तो प्लीज उपनिषदों जरूर पढ़ो श्रुतियां पढ़ो आदि गुरु शंकराचार्य के भाष्या पढ़ो। आदि गुरु शंकराचार्य जी कितनी घट उम्र के अंदर उन्होंने की कुछ लिख दिता कदे पढ़िया उन्हों का मंडल मिश्र के नाल कोई शास्त्रार्थ होया सी ते की होया सी उहदे विच डिस्कशन का आधार की सीगा। डिस्कशन का आधार वैभव नहीं सीगा संपन्नता किवें आवे अमीरी किवें आवे ए नहीं सीगा। डिस्कशन का आधार कि मैं एक अच्छा इंसान किवें बना मैं इस भारतीय संस्कृति दे विच अपने अपना योगदान किवें पावां किते ना किते कुछ डाइवर्ट होया है और इसे करके समस्या बनी हुई। सब तो पहला तो भगवान कृष्ण जी वर्गा कोई तत्ववेता महापुरुष जीवन च आना चाहिए है। कल्ले महापुरुषों की अज बहुत लंबी भीड़ लगी पई हैगी है। चोला पाउण दे नाल कोई महापुरुष नहीं बन जाता उहदी स्पैसिफिक आइडेंटिफिकेशन हुंदी है। चोला तो रावण भी पा के आया सी ते मां सीता नूं लक्ष्मण रेखा क्रॉस करनी पे से ही चोले च आया भगवान पा के आया। अज इस फील्ड के भी कंटैमिनेशन हो चुकी है बहुत ज्यादा क्योंकि तुहाडियां इच्छावां दे अकॉर्डिंगली गुरु बन गए ने। तुसी संपन्नता चाहते हो कहिंदे आ जाओ कोई कुछ कर रहा कोई कुछ कर रहा क्योंकि साडियां डिजायर्स ने गुरु क्रिएट कर दिते ने कि उही गुरु ने थोड़े टैली करके देखो जिहड़े जिहड़े लिखे गए ने। फिर तत्ववेता महापुरुष की गल की गीता के अंदर वह की बला का नाम है वह कौन है कि महात्मा बुद्ध के कोई वैल्थ की कमी सी रॉयल फैमिली के बेटे।